प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार आपके बीच में प्रभु का वचन लेकर आने में प्रभु ने मुझे मदद किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आया हुआ सबको यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, और बाइबल परमेश्वर का नाम में उसको संबोधना करते हैं। इस परमेश्वर कैसे मनुष्य बनकर के इस दुनिया में आया, जो क्रिसमस या बड़े दिन में यीशु मसीह का जो जन्म के बारे में पूरा दुनिया मनाते हैं। फिलिपियों का किताब 2:5-8 पदों में यीशु मसीह किस प्रकार मनुष्य का रूप धारण किया, इस संसार में किस प्रकार जीवन बिताया और आखिरी में कैसे उसका मृत्यु हुआ, इसके बारे में वर्णन करता। पवित्र बाइबल मनुष्य कैसे पापी बन गया, जिसके बारे में वर्णन करते हैं। पगला मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपना स्वरूप और छाया में बनाया, आदम ने पाप किया, इसलिए उसके पश्चात जन्मे सभी मनुष्यों को पापी स्वभाव अपने माता पिता से उत्तराधिकार के रूप में मिलता है। ये परिस्थिति में यीशु पाप के स्वभाव बिना कैसे उत्पन्न हुआ? यदि हरेक मनुष्य जन्म से ही पापी है तो यीशु मसीह कैसे निष्पाप इस संसार में जन्म लिया? भजन संहिता 51:5 कहते हैं, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने मादा के गर्भ में पड़ा। भजन संहिता 58:58 का 3 में कहता है, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाता है। यदि यीशु क्रिस्त को भी पापी स्वभाव पैतृक उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है तो फिर वह पापी था और अपने ही पापों के लिए मरना पड़ेगा। यीशु क्रिस्त ने एक पापहीन जीवन व्यतीत किया करके बाइबल बताता है। निष्पाप या पापी स्वभाव रहित उत्पन्न हुआ करके बाइबल कहता है, ये कैसे संभव होता? पिता परमेश्वर ने इस कठिन समस्या का समाधान एक कुंवारी से जन्म लिए हुए इसका समस्या को दूर किया है। कुंवारी से जन्म के रहस्य पर मसीहों को बाइबल के अनुसार जो स्वीकार करना पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप जन्म लिया है। यदि पाप पिता से हमें प्राप्त होता है तो यीशु मसीह
यूसुफ के द्वारा जन्म लिया है तो यीशु मसीह भी पापी रह सकता था, लेकिन सच्चाई यही है पाप केवल पिताजी से बच्चे में आ जाता, मादा से नहीं है। इसलिए बाइबल स्पष्ट कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु की मां मरियम ने गर्भवती हो गया और उसके द्वारा पाप रहित बालक यीशु तक, पापी का स्वभाव जो बालक यीशु तक नहीं पहुंचा। हमारे परमेश्वर ने कैसे आश्चर्यकर्म रीति से इस कठिन समस्या का समाधान कर दिया ताकि हमें एक उद्धारकर्ता प्राप्त हो। एक और बार ध्यान दीजिएगा, यदि यीशु मसीह एक मनुष्यों से उत्पन्न हुआ है तो वो भी पाप के साथ जन्म लेता था, लेकिन पवित्र आत्मा से उत्पन्न होने के द्वारा, जैसे पहले बताया जो पिताजी से बच्चों के अंदर में पाप का स्वभाव आ जाता है, पवित्र आत्मा पवित्र होने से यीशु मसीह पाप रहित जन्म लिया इस संसार में। यीशु मसीह का जन्म के बारे में और कुंवारी से जन्म लेते हैं उसके बारे में उत्पत्ति से किताब से लेकर हम लोग पढ़ते हैं। उत्पत्ति का किताब 3:15 में स्त्री का संतान करके यीशु मसीह को संबोधना करते हैं और उत्पत्ति का किताब 12 में जो विश्वासियों का पिता अब्राहम एक इसराइल का जो पिता के रूप में हम लोग देखता है। उल्पति का किताब इसका 39 में जो याकूब का बेटा और यहूदा जो गोत्र का व्यक्ति है वो गोत्र से यीशु मसीह का जन्म होगा करके हम लोग देखता है। 2 Samuel 7 में उद्धारकर्ता का जन्म दाऊद के कुल से होगा जो बताता है। तो अभी स्पष्ट हो गया स्त्री से जन्म होगा, इसराइल से जन्म होगा और यहूदा गोत्र से यीशु मसीह का जन्म होगा, वो भी दाऊद का गोत्र परिवार से यीशु मसीह का जन्म होगा। इससे स्पष्ट बताता है यीशु मसीह का जन्म का जो संपूर्ण इतिहास बाइबल में दिया गया है। एशिया नबी का किताब 7:14 में हम लोग पढ़ते हैं, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। इस सच्चाई पूरा हुआ मत्ती रजिस समाचार 1:23 में। वही एशिया नबी का किताब में एक बच्चा जो आनंद परमेश्वर और उसका ओ शांति का राजा है उसका जन्म के बारे में भी विवरण किया गया। प्यारे भाइयों सारांश इतना है, यीशु मसीह का जन्म पहले ही बताया गया है उसके अनुसार हुआ और पाप रहित सारा मानव जाति को का पाप दूर करने के योग्य व्यक्ति के रूप में यीशु मसीह का जन्म लिया। इसलिए मुझे सुनने वाला भाई लोग, आप इस यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार करने पर, यीशु मसीह को आपका जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करने पर आपका पाप का जो समस्या दूर हो जाएगा, आप प्रभु का बेटा बनेंगे, आपका जीवन अनंत स्वर्ग का जो अनंत जीवन का जो किताब है उसमें लिख दिया जाएगा। प्रभु सहायता करे सुनने वाला सब इस प्रभु को स्वीकार करके आपका जीवन धन्य करे। यही प्रार्थना के साथ मेरा संदेश समाप्त कर रहे, प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमेन।